परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने विश्वास के दम पे विजय प्राप्त करने वाले बहुत से राजा तो आपने बाइबल में पढ़े होंगे, पर हम आपको आज के दौर के एक राजा के विषय में बताते हैं। इनका नाम है ऑक्टेवियो एंथनी नेविस। इनका जन्म एक कैथलिक परिवार में हुआ जिसमें 11 भाई बहनों में से ये सबसे छोटे थे। बचपन से ही ऑक्टेवियो नेविस काफी शरारती थे, साथ ही पढ़ाई में स्कॉलर थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल और अंबेडकर कॉलेज से पूरी की। उनके पिता बिजनेसमैन और माँ हाउसवाइफ थी। उनकी एक आंटी थी जो इस परिवार से नफरत करती थी और उन्होंने इस परिवार के बच्चों को जवान होने के पहले ही खत्म करने की चुनौती दी थी। जादू टोने के द्वारा उन्होंने ऑक्टेवियो नेविस के 6 भाई बहन को अलग अलग रीति से मार दिया। परंतु जब ऑक्टेवियो नेविस के प्रिय भाई की मौत उनके आंखों के सामने हुई तो उन्होंने उस परिवार के 8 लोगों को मारने का अपने जीवन का मकसद बना लिया। इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट जूडो कराटे सीखना शुरू किया। कॉलेज के दरमियान उन्होंने काफी गैंग वॉर्स, गुंडागर्दी और लोगों को पीटने का काम किया। वो अपने पैरों के जूतों में बटन चाकू और नन चाकू लेकर घूमा करते थे। परंतु इनके जीवन में परमेश्वर की कुछ और ही योजना थी। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे बिशप का पूरा जीवन बदल गई। सन 1984 में बिशप के एक करीब दोस्त मिस्टर वॉल्टर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। एक दिन वडाला के बस स्टॉप पे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा और उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से बोलने लगे। साथ ही उसी क्षण से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने अपना बटन चाकू और नन चाकू फेंक कर हाथ में पवित्र शास्त्र ले लिया। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद में वो परमेश्वर के ऐसे दीवाने बने कि सब कुछ छोड़कर पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक शिवाजी पार्क में बैठकर प्रार्थना किया करते थे और पवित्र आत्मा से भर जाते थे। जिन हाथों से वो लोगों को मारा करते थे अब उन्हीं हाथों से वो लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर के अनुग्रह और अगुवाई से उन्होंने जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्रीज की स्थापना की। परमेश्वर ने उन्हें यरमाया 1:10 का दृष्टांत दिया। 1 मई 2017 में परमेश्वर ने उन्हें बिशप के पद से नियुक्त किया। 7 मार्च 1997 में उनकी शादी प्रिसिला बारसे से हुई और परमेश्वर ने उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी दी।